हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल अमराव दोस्तों आज का वीडियो है निपुण भारत मिशन शिक्षक प्रशिक्षण के अंतर्गत कोर्स नंबर 32 के आकलन प्रश्नोत्तरी का हल देखते हैं आज का टॉपिक है भाषा की दक्षता लिखना तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है अक्षर सही ढंग से लिखने के लिए हाथ और उंगुलियों का सही संयोजन एवं संचालन किया जाना कहलाता है ऑप्शन नंबर ए भाषा संरचना संबंधी कौशल ऑप्शन नंबर बी गत्यात्मक मोटर कौशल ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक कौशल और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं तो इसका करेक्ट आंसर है गत्यात्मक मोटर कौशल यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू बीजों पत्तियों तेलियों कंकड़ों से आकृतियाँ बनाने की गतिविधि है ऑप्शन नंबर वन लेखन विकास की गतिविधि ऑप्शन नंबर बी लेखन पूर्व की गतिविधि ऑप्शन नंबर सी मौखिक अंत्याचरी की गतिविधि और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी तो इसका करेक्ट आंसर है लेखन पूर्व की गतिविधि यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री ध्वनियों को चिन्हों में बदलना सही वाक्य संरचना विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना कहलाता है ऑप्शन नंबर ए भाषा संरचना संबंधी कौशल ऑप्शन नंबर बी मोटर गत्यात्मक कौशल ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक कौशल ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं तो इसका करेक्ट आंसर है भाषा संरचना संबंधी कौशल यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर है कि भाषा के दृष्टिकोण से एक बच्चे में लेखन कौशल का विकास हो गया है यदि वह ऑप्शन नंबर एक लिखते समय बुनियादी कौशलों का सटीकता से उपयोग करता है ऑप्शन नंबर बी रचनात्मक लेखन कौशलों का संपादन व संशोधन करने लगता है ऑप्शन नंबर सी सटीक व सुव्यवस्थित भाषा का प्रयोग नियमित आकलन व सुधार करने के साथ लेखन लगाव में वृद्धि करता है और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव बच्चों द्वारा अपने भावों विचारों को लेखांकन कोना दीवार अखबार दीवार पत्रिका आदि विभिन्न माध्यमों से व्यक्त करना कहलाता है ऑप्शन नंबर ए e, मार्गदर्शन युक्त लेखन ऑप्शन नंबर बी सहयोगी या साझा लेखन ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्र लेखन रचनात्मक लेखन और ऑप्शन नंबर डी आदर्श लेखन तो इसका करेक्ट आंसर है स्वतंत्र लेखन रचनात्मक लेखन यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स है लेखन में लिपि के उपयोग की, की शुरुआत है ऑप्शन नंबर ए प्रभावपूर्ण लेखन ऑप्शन नंबर बी शुरुआती परंपरागत लेखन ऑप्शन नंबर सी उभरता लेखन और ऑप्शन नंबर डी मध्यवर्ती लेखन तो इसका करेक्ट आंसर है शुरुआती परंपरागत लेखन यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन अपनी बात को सोचकर भली प्रकार से नियोजित करते हुए अपने शब्दों में लिखना या लिखित रूप में रूप में व्यक्त करना कहलाता है ऑप्शन नंबर ए लेखन या लिखित अभिव्यक्ति ऑप्शन नंबर बी मौखिक अभिव्यक्ति ऑप्शन सी व्यक्तिगत अभिरुचि और ऑप्शन डी सामूहिक अभिव्यक्ति तो इसका करेक्ट आंसर है लेखन या लिखित अभिव्यक्ति यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट निम्नांकित में से कौन कौन बुनियादी लेखन कौशल के तत्व हैं ऑप्शन नंबर ए अक्षर बनाना वर्तनी की समझ ऑप्शन बी लिंग काल क्रिया रूप वाक्य की समझ ऑप्शन सी विराम चिन्हों का ज्ञान विचारों को व्यवस्थित रूप में लिख पाना ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन पढ़ना और लिखना एक दूसरे के ऑप्शन नंबर ए भिन्न कौशल हैं ऑप्शन नंबर बी पूरक कौशल हैं ऑप्शन नंबर सी स्थाना स्थानापन कौशल हैं ऑप्शन नंबर डी गणितीय कौशल है तो पढ़ना और लिखना एक दूसरे क्या है पूरक कौशल यानी कॉम्प्लीमेंट स्किल्स ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे जब अक्षर या उसकी ध्वनि से परिचित नहीं होते हैं किंतु पेंसिल से कागज़ पर आड़ी तिरछी लकीरें या चित्र बनाते हैं तो इसे ऑप्शन नंबर ए है भाषा लेखन कहते हैं ऑप्शन नंबर बी प्रभावपूर्ण लेखन कहते हैं ऑप्शन नंबर सी उभरता लेखन कहते हैं और ऑप्शन नंबर डी परंपरागत लेखन कहते हैं तो इस लेखन को कहते हैं उभरता लेखन यानी ऑप्शन नंबर सी तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो